I thought I had it figured out. Believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see. The way we were, living in a fantasy. When I kiss her, तो भाई लोग सभी भाइयों को मेरा राम राम। और अपना भी हो गए फुल्ली रेडी, तो अपना भी जा रहे हैं मैया जी की मूर्ति फाइनली लेने। तो भाई मिलते हैं सफ़र में। और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, मतलब तीन लोग राहुल भैया में और विश्व भैया, बाकी सब लोग पिकअप से जा रहे हैं। तो हम अभी चलते हैं मूर्ति लेने। दिस इज राहुल भैया और उधर सावन भैया हमारे आ रहे हैं पेट्रोल पम्प से पेट्रोल डलवा के। लाइक माँ शिवम बक्षुदी कर रहा होगा, ये हमारे भाई ने स्माइल कर दी है। इसके साथ हम निकलेंगे अभी सफ़र के साथ सीधे खंडवा और मज़े लेंगे सफ़र के। और सावन डोन देख सकते हो, आपको पेट्रोल डलवा रही है वहाँ पे। तो निकलते आगे लिए, शुभ काम में जाने से पहले अपन दाना बाबा के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं मैया जी की मूर्ति लेने। तो अभी चलते हैं दाना बाबा के मंदिर के अंदर। आप सब देख सकते हो जैसे कि हम आ गए जहाँ से हमने मूर्ति बुक करी थी वही वाले मार्केट में। और आज के दिन इसमें मतलब वाले मार्केट में बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मेरे को दिख रही है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, कभी आपको दिख रही हो तो इस मूर्तियाँ देखो। और अभी हमारी मूर्ति आपको दिखाते जो बुक करके आए थे। अभी चलते हैं मूर्ति के पास जहाँ पे हमने घर में देखी थी, तो घर में जाना पड़ेगा। तो भाई लोग आप देख सकते हो इधर मार्केट में भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। और इधर हमारी पूरी पलटन खड़ी हुई है, उधर है अभी पलटन, उधर चले गए मतलब हमारे गांव के लोंडे लपाटे पलटन बोल रहा मैं। और ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ से हमने मूर्ति बुक करी है, तो आप मूर्तियाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। और इधर मार्केट में आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज अधिकतर लोग गाइस आज ही मूर्ति लेने आए हैं, क्योंकि कल का टाइम जो है ना मैया जी का सजावट की वजह करना पड़ेगा, मतलब मैया जी का पंडाल। तो अभी हम देखते हैं मूर्तियाँ और भी बहुत सी और आपको भी दिखाते हैं। और भाई लोग ये देख सकते हो बिस्सू भैया और राहुल भैया पता नहीं किस चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। और ये मूर्ति को देख के पता नहीं क्या सोच रहे हैं बिस्सू भैया, कि आपको बताओ कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और ये मूर्ति देखो कितनी प्यारी लग रही है मूर्तियाँ गाइस, एकदम दिल है ना खुश हो गया मूर्तियों को देख के। और ऐसा लग रहा है मैं तो अभी हम मार्केट में चलते जा रहे हैं स्वयंसेवकों की तरह। और ये खड़ी हमारी पूरी पब्लिक, ये रहे बाबू शूटर, ये रहा इधर पहले हमने ये जो दिख रही है यहाँ पर मूर्ति बुक करी थी और अभी हमने उस साइड कर दिया आपको बताया। और आप मूर्तियाँ देखो बस। तो गाइस ये है हमारी मूर्ति जो कि हमने सिलेक्ट की हुई है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी एंड प्रिटी लग रही है हमारी माता जी की मूर्ति वाली, देख सकते हो ये हमारी सिलेक्टेड है। और ये बाकी लोगों की है जिन्होंने ली है एंड लाइक लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनका भी। तो देख सकते हो आप पीछे बहुत सारी मूर्तियाँ है जो कि बहुत ही प्यारी सजावट है इनके अंदर, गुड लुकिंग बेस्ट। लेकिन ये हमारी है वाली एंड उसे अभी सजाएंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या लुक होने वाला है। तो गाइस अब हम इस मूर्ति को उठा के सीधे ले चलेंगे हमारे घर और उसके बाद हमें मार्केट से सामान लेना है। लेकिन देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है माता दुर्गा की मूर्ति, मैं आपको आगे वाली भी दिखाता हूँ, आगे भी बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति रखी हुई है गाइस। जैसे देख सकते हो आप ये कितनी प्यारी मूर्ति है एंड इधर बहुत ही मल्टीपल चॉइस रखी हुई है हमारे सामने माता जी की, जो आप देख सकते हो क्या क्या लगा हुआ है एंड बहुत बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है हमारी माता जी। तो बहुत अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ हैं लेकिन कुछ भी को यार एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फेस डिज़ाइन किया गया है और एकदम रियलिस्टिक फेस लगता है, नेचुरल थिंक आती है कि बहुत ही प्यारी प्यारी एडल्ट है देख सकते हो आप, जैसे कि ये वाली है एंड ये 6 फीट के लगभग है, 6 फीट से ऊपर है। जैसे ये वाली है, ये वाली भी 6 फीट है एंड ये वाली भी है, ये वाली भी 6 फीट है, पीछे है ये वाली भी 6 फीट है एंड ये कम है थोड़ी सी। तो गाइस देख सकते हो आप ये 5 फीट 5 इंच है, देख सकते हो आप दोनों मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी। मम्मी सितारे ढूंढ ले, कांच नहीं पड़े, मेरी मां नहीं।
डाल बैठना तो गाइस हम जा रहे हैं माता जी की चुनर लेने, जो कि हमें आगे से ऑर्डर आया हुआ है कि चुनर लेके आओ, उसके बाद ही चुनरी सजाएंगे, माता जी के ऊपर लगाएंगे। तो सीधे चुनरी लेने चलते हैं पहले माता जी की, एंड उसके बाद आगे वाला कार्य करेंगे। गाइस आ चुके हम चुनर की दुकान पे, और यहाँ से चुनर लेंगे हमारे सावन भैया, चुनरी भी लेंगे और मुकुट भी लेंगे, जो कि बेस्ट रहेगा हमारे लिए, जो बेस्ट रहेगा वो लेंगे। तो देख सकते हो आप चुनरी लेके निकलते आगे। तो गाइस ये हमने चुनरी और मुकुट दोनों ले लिया है, इसको लेके जाएंगे पहले। तो गाइस मूर्तियां दोनों लोड हो चुकी है, आप देख सकते हो हमारे पिकअप में, और यहाँ से एक ये आगे पीछे वाली, दोनों अपनी पीछे वाली, ये आगे वाली भी अपनी ही है दोनों। तो ये जाएगी सीधे अपने घर के लिए, एंड पब्लिक देख सकते हो ये सब पूरी की पूरी अपनी है। तो इनको पब्लिक को भेजते हैं पिकअप से, और अपन लेके चलते हैं माता जी का सामान, एंड निकलते आगे, मिलते अपन मार्केट में। तो भाई लोग आप देख सकते हो ये सब लोग मूर्ति लेके जा रहे हैं, और दोनों मूर्तियाँ एक ही पिकअप में रखी है, क्योंकि एक ही गांव में जा रही, मतलब हमारा परिवार एक ही है, पर इस बार दो जगह बिठा रहे हैं। और ये हमको अभी सामान लेने जाना है, तो इनके साथ जा रहे काका इनके और भाई लोगों के साथ। तो अभी अपन चलते हैं सामान लेने। तो भाई लोग ये रहे गरबे, और इनको हमको अभी लेना है। तो गरबे आप देख सकते हो, तो ये गरबे लेंगे, ये भाई लोग है, और विश्व भैया रेटिंग कर रहा है, रेटिंग नहीं मतलब देख रहा है कौन से लेना है। और मैं अभी कैमरामैन बना हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइस थक चुके हैं। अभी घर पे लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मार्केट में। और मूर्तियाँ देख सकते हो आप चारों तरफ। तो भाई लोग हमने घर पे ले लिए, और हम तीनों भैया भाई और हमारे पीछे वो भाई लोग भी आ रहे हैं। तो अपन अभी चलते हैं पिकअप में, इसको रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, पूजा की सामग्री का सामान ले रहे हैं, और सावन गया है पिकअप के अंदर गरबे रखने। और ये नत्थू भंसाली जी की दुकान है, यहाँ से लेंगे हम गरबे का सामान, एंड उसके बाद सामान कंप्लीट होने के बाद उसे ले जाएंगे घर। मिलते हैं अब आगे, सामान पूरा कवर लिखवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हम यहाँ पे सामान ले रहे हैं, और ये रही वो दुकान जिस पे से हम सामान ले रहे हैं, और ये रहे विश्व भैया और राहुल भैया। बाकी मूर्ति को और हमने बाकी सब लोगों को पहुँचा दिया है पिकअप में बैठ के। तो अभी हम और भी कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए।